आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जनपद में पैर पसार रहे कोरोना वायरस के मद्देनजर जिला प्रशासन ने महानगर के 6 इलाकों की ओर नहीं जाने की अपील की है। इसके साथ ही प्रशासन आइसोलेशन बेड की संख्या भी बढ़ा रहा है। वहीं जो संदिग्ध क्वारंटीन किए थे उनकी 20 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी रिलीज किया जा रहा है। आगरा जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 पार कर चुकी है। जिला प्रशासन ने जो हाई सेंसिटिव इलाके चिन्हित किए हैं उनमें गढ़ैया, ताजगंज, मंटोला, वजीरपुरा, चारसू गेट, चित्रा टॉकीज, खटीकपाड़ा शामिल है। इन जगहों पर जाने की पूर्ण मनाही है। संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किए जाएंगे रिलीज। जो संदिग्ध इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स पर क्वारंटीन किए गए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, ऐसे लोगों को बुधवार शाम तक छोड़ा जाएगा। ऐसे लोगों को अप्रैल के पहले सप्ताह में क्वारंटीन किया गया था। अब जनपद में 4 इंस्टीट्यूशनल वार्ड होंगे संचालित। आगरा महानगर में अब 4 आइसोलेशन वार्ड संचालित रहेंगे, जहां की व्यवस्था का जिम्मा वरिष्ठ अधिकारियों का रहेगा। ये सभी अधिकारी कोरोना से बचाव के सभी प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी संभालेंगे। मूलचंद हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, जिला अस्पताल व SR हॉस्पिटल शामिल है। प्रशासन का ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर जोर। जिलाधिकारी का दावा है कि 18 अप्रैल तक जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं उन सभी की ट्रैकिंग हो चुकी है। जो पॉजिटिव पिछले 2 दिनों में मिले हैं उनकी ट्रैकिंग जारी है। इसके साथ ही अब टेस्टिंग पर भी पूरा फोकस है। हिंदुस्तान कॉलेज में तैयार होगा 600 बेड का आइसोलेशन वार्ड। जिला प्रशासन अन्य सभी आइसोलेशन सेंटर को खत्म कर बड़े सेंटरों पर ध्यान दे रहा है। इसके लिए DM ने CDO और SDM किरावली के साथ हिंदुस्तान कॉलेज का दौरा किया। यहां के छात्रावास में उन्हें बेहतर व्यवस्था मिली तो इसे आइसोलेशन वार्ड बनाने के आदेश जारी कर दिए। गंभीर बीमारियों के लिए निजी हॉस्पिटल की जवाबदेही तय। जिलाधिकारी ने गंभीर बीमारियों जैसे डायलिसिस, कीमोथेरेपी, क्रिटिकल अव्यवस्था और प्रसव के लिए हॉस्पिटल की जवाबदेही तय कर दी है। इन सभी हॉस्पिटल पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। जो कोई भी इलाज में आनाकानी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।